तो ऐसे में मुझे लगता है गोपाल कांडा के इस बयान आने के बाद कि गोपाल कांडा कहते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं मांगा है, तो उससे लगता है भारतीय गोपाल कांडा का जो आलोपा है वो एनडीए से अलग हो रही है, उन्होंने अलग रास्ता तय किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों आज मेरे साथ है चुनावी चर्चा में सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार है। हरियाणा विधानसभा चुनाव है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में नित कुछ नई चीजें देखने को मिल रही है। इस बार के चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर दिन कुछ नए प्रकरण, कुछ नए समीकरण सामने आ रहे हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं सतीश मेहरा जी से। मेरा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद राजेंद्र जी आपका। मेरा साहब, नित नए प्रकरण हो रहे हैं विधानसभा चुनाव के दौरान, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही हैं। पिछले दिनों जो सिरसा से गोपाल कांडा है, लोपा के जो कन्वीनर हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहां जो उनका उम्मीदवार था रोहतास जांगड़ा, उसका नामांकन वापस लेकर गोपाल कांडा को समर्थन दे दिया। 90 में से 89 सीटों पर, 99 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। लेकिन बीते कल एक प्रकरण हुआ जिसमें गोपाल कांडा ने यह बयान दिया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या लगता है, क्योंकि देखिए एनडीए जो है वो 38 लोकसभा के दौरान 38 घटक दलों का एक समूह बना, जो एनडीए बना, और एनडीए में से जो ये दल जो है, आज हलोपा की बात करें, ऐसा लग रहा है कि जैसे खिसक रहा है, टूट रहा है ये दल। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो देखिए राजेंद्र जी, जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और जो इनके घटक दल हैं उनकी बात की है, घटक दल हलोपा जिसको हरियाणा लोकहित पार्टी कहते हैं, और उनके जो सर्वे सर्वा हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं गोपाल कांडा हैं, गोपाल कांडा सिरसा से चुनाव भी लड़ रहे हैं अपनी पार्टी के चुनाव चुने पे। तो अगर लोकसभा चुनाव से पहले की बात करें तो एनडीए में 38 जो है घटक दल माने जाते थे जी, और इनमें दो घटक दल जो रीजन पार्टी जिसको कह सकते हैं हरियाणा से थी, जननायक जनता पार्टी और हलोपा। जो जननायक जनता पार्टी की जो सर्वे सर्वा हैं वो डॉक्टर अजय सिंह हैं और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला जी हैं, और हलोपा के जैसे प्रेसिडेंट हैं गोपाल कांडा हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले तो जननायक जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, बिल्कुल जननायक जनता पार्टी एनडीए से अलग हो गई। तो उसके बाद 37 घटक दल बचते हैं, 37 के बाद अब जो कल जो एक घटनाक्रम सामने आया है, जो गोपाल कांडा ने ये कहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से समर्थन नहीं मांगा है जी। और उनका जो समर्थन है वो एनएलडी से है, बहुजन समाज पार्टी से। इस सारे गठबंधन के चलते उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी से अभी समर्थन इस मामले में नहीं मांगा। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन पहले जो जिस दिन नामांकन वापस लेने की लास्ट तारीख डेट थी, उम्मीदवार को जो उन्होंने पर्चा दाखिल करवाया था रोहतास जांगड़ा जी का, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। तो ऐसे में मुझे लगता है गोपाल कांडा के इस बयान आने के बाद कि गोपाल कांडा कहते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं मांगा है, तो उससे लगता है भारतीय गोपाल कांडा का जो आलोपा है वो एनडीए से अलग हो रही है, टूट रही है, उन्होंने अलग रास्ता तय कर लिया। अगर बात करें नेशनल लेवल पे, तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो 400 पार का नारा देती है, हरियाणा में इस बार उन्होंने 75 पार का नारा दिया, लेकिन गोपाल कांडा के ये बयान के बावजूद वो उसको समर्थन दे रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि उनको जबरदस्ती समर्थन देना पड़ता है लोगों को? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट देने की बात है, जो अभी टिकट वितरित किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उससे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी जो कैंडिडेट है, काफी जो उम्मीदवार है, उधार के कैंडिडेट लिए। कोई जजपा से आया है, तो कोई कांग्रेस से आया है, कोई दूसरी पार्टियों से आया है। जैसे जजपा के जो कैंडिडेट तीन विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको हाथों हाथ एक ही दिन में टिकट दे दिया।
बिल्कुल तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी अपने आप को मानती थी, अपने अपने जो 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 संगठित और मूल शासन जो वाली मूल जो कार्यकर्ता है उनको दूर कर रही है, और जो नए उनको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं उनको टिकट दे रही है, टिकट दिया है उन्होंने। लेकिन जो पुराने जो उनके जुड़े हुए कार्यकर्ता वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए, और जैसे जो कल का जो और एक दिन पहले का जो घटनाक्रम है लोकपाल है कि समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को वापस किया है, ये बहुत ही एक अलग स्थिति है कि इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। इससे कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ तीसरी बार सत्ता में आना है, वो चाहे किसी भी तरह से आ जाए, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए हर राजनीतिक पार्टी है जो वो चुनावी लड़ाई है जिसकी जो चुनाव में उतरती है वो सत्ता प्राप्ति के लिए होती है, राजनीति का मतलब ही सत्ता प्राप्ति होता है। तो ये अनकेन प्रकरण जैसे भी है, भारतीय जनता पार्टी ने सभी सिद्धांतों को अपने किनारे रखे, किनारे मैं एक्चुअली मेरा कहने का मकसद ये था, बस यही दिमाग हाँ। में यही उन्होंने लाइन तय की है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी किसी प्रकार से सत्ता में आए, और वो उनका प्रयास है। एक बड़ी बात उठती है ये कि ऐसे समय पे गोपाल कांडा जो एक क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका ये बयान जो है भी मुझे भारतीय पार्टी का समर्थन मैंने नहीं मांगा है, तो इसका फायदा मुझे बताइए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में किस पॉलिटिकल पार्टी को हो सकता है? देखिए जैसे हमारी पहले बातचीत में यह आया कि हलोपा ने गोपाल कांडा जी की पार्टी है, उन्होंने एनएलडी से चौधरी अभय सिंह से समझौता किया है, और एनएलडी का समझौता है बहुजन समाज पार्टी से। बिल्कुल ठीक है। तो अब और ज्यादा वोट कहाँ से गेन हो सकते हैं हलोपा ने ये सोचा है, और ये जो एनएलडी और हलोपा का जो समझौता हुआ है उसमें कहीं ना कहीं गोपाल कांडा को ये दिखने लगा है अगर हम हलोपा से और बसपा से समझौता करके चलते हैं तो उनको इंडिविजुअली फायदा होगा, और उससे दूसरे जो अलाई है उनके एनएलडी है चौधरी अभय सिंह है उनको भी दोनों सीटों पर, सिरसा की दोनों सीटों पर दोनों दो या तीन सीटों पर जितने भी मुकाबले में है उनको कहीं ना कहीं इन लोगों को भी फायदा देने की उनकी कोशिश रही है, उनका एक प्रयास रहा है कि उधर इन लोगों को फायदा होगा उधर हलोपा को फायदा होगा, ये इस वजह से मुझे लगता है, और इससे भारतीय जनता पार्टी को सिरसा में कोई फायदा होने वाला नहीं है समर्थन देने के बावजूद। हालांकि ये बात अलग बात है कि विधानसभा चुनाव के बाद किसके नंबर ज्यादा आते हैं और नंबरों किसके नंबर एक क्षेत्रीय पार्टी किसको समर्थन करती है किसको समर्थन करती है वो बात की बात है। जी जी जी। गोपाल कांडा का ये दावा कि इनेलो बसपा और हलोपा मिलकर इस बार सत्ता में आएंगे और मुख्यमंत्री इन्हीं का होगा, आपको क्या लगता है इस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है या कितना मतलब क्या इसके पीछे का मकसद क्या है ये बात बोलने के पीछे का? गोपाल कांडा ने जो स्टेटमेंट दी है ये अपने वोटर्स को जो उनके सिरसा से और इनेलो के जो वोटर हैं उनको ये दिखाना है कि हम इसके भारतीय जनता पार्टी के लाई नहीं है, क्योंकि अगर ये सीधा होता है तो वोटरों के मन में ये अगर संदेश आएगा कि ये दोनों पार्टियां एनएलडी पर्टिकुलर एनएलडी की बात करें एनएलडी और बसपा और ये अगर ये यहाँ से जीतती हैं और ये जज्ब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो वो उनके प्रति नेगेटिव मैसेज जनता में जाता है, उनको कहीं ना कहीं वोट में उनका इजाफा होने के बजाय वोट में कमी ला सकता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो बयान है इसने राजनीतिक गलियारों में गर्मी तो ला दी है, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ये सोचने के लिए मजबूर हो गई है कि उन्होंने जो समर्थन दिया है वो कितना सही और कितना गलत है। खैर दोस्तों इसी तरह की और चर्चाएं लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे, आप देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी और हमारे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना और अगर आपकी कोई राय है कमेंट करना भूलिएगा मत। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजेंद्र जी। थैंक यू।